हाय गाइस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? ओके, जस्ट लेट मी नो ऑडियो वीडियो एवरीथिंग परफेक्ट. हाँ जी बताइए, इज ऑडियो वीडियो परफेक्ट? बेटा लैग वैग खत्म हो गया? यस, जस्ट लेट मी नो. चैट्स नहीं दिख रहे मुझे आपके. गाइस वेरी गुड मॉर्निंग. तो जैसे कि मैंने वादा किया था, आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा दूंगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 4 बाकी था. मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 4 होते से ही हम लोग पब्लिक फाइनेंस करेंगे. कुल मिला के 10 बजे तक जितना हमारा पार्ट कवर होता है, वी नीड टू कवर दैट. उसके बाद सीधा हमारी मुलाकात होगी 1 बजे. ठीक, सो गुड मॉर्निंग. मैंने 8 बजे का टाइम दिया था बच्चों को. ओके, बट बिफोर यू बिगिन गाइज, अभी जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं, आप अपने जूनियर्स को डेफिनेटली आइकॉनिक प्रोग्राम रेकमेंड करिएगा. आइकॉनिक प्रोग्राम बेसिकली हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपको प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते ही हैं, उसके अलावा एडिशनल फीचर लाइक वन ऑन वन काउंसलिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, देन वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग सेशंस, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सेशन, डिस्कॉर्ड चैनल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है. दोस्तों लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वन ऑन वन बेसिस पे. और बेटा इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज के थ्रू आप एग्जाम से पहले करीब करीब 3 बार ऑलरेडी एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में टेस्ट देते हैं और आपका पेपर चेक होकर आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं. लास्टली बेटा, आइकॉनिक इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन का प्राइस ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे. मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर सिर्फ इंटरमीडिएट ले रहे हो, गो फॉर 12 मंथ. 38,250 इज द ग्रॉस प्राइस. आपको इसके ऊपर 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सी आदित्य लाइव. तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, और अगर आपको फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी बेटा आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सी आदित्य लाइव. आपको स्क्रेट अवे 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर. We'll wait for few minutes and then we'll begin. Just a second. एक मिनट. Yes.
यस सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। बेटा मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा जहाँ पर कल मैंने एंड किया था। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस तक पढ़ाया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने खुद के चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर यूजिंग दिस चार्ट्स। बेटा ये चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आइए बेटा बात करते हैं यूनिट नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सो सबसे पहले सवाल ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स विच आर अवेलेबल एट डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल बैंक यूज कर सकता है वेरियस फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए। जैसे कि टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड यूजेज ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं बेटा। सबसे पहला क्या है, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, देन प्राइस स्टेबिलिटी, टू अचीव ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर लेवल ऑफ आउटपुट अचीव हो, एम्प्लॉयमेंट अचीव हो, टू एंश्योर बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम, टू एंश्योर स्टेबल करेंसी एंड टू मीट एनी अदर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी मदद से और दो तीन क्वेश्चन आगे के हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार होता क्या है। सो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स विच आर अवेलेबल एट डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं टू एंश्योर अवेलेबिलिटी यूज एंड अवेलेबिलिटी यूज एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंश्योर बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम, टू अचीव ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड टू मीट एनी अदर गोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको फटाफट आप लोगों ने याद कर लेना है। हाय मलिका, काफी कम बच्चे हैं सुबह सुबह। बेटा आपको ये क्वेश्चन याद हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच आर अवेलेबल एट डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी यूज एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम, देन स्टेबल करेंसी एंड एनी अदर ऑब्जेक्टिव। आइए बेटा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बेसिकली तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। ये एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट करता है, बताता है, ये एक्सप्लिसिट गाइडेंस देता है बेटा पॉलिसी मेकर को। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तीन पार्ट है। सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू पॉलिसी मेकर। दूसरा है बेटा एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा, ये इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, किस तरीके से ट्रांसमिट होगा जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इकोनॉमी में कैसे फ्लो होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वेरियस टूल्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेफर्स टू द टूल्स विच फोकस ऑन ऑपरेटिंग टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, दिस प्रोवाइड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू द पॉलिसी मेकर। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बेटा दीज आर बेसिकली द टूल्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। आइए इसमें से सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए इसके दो मुख्य, एकदम दो प्राइम रीजन है, दो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। सो मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो मोस्ट है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े थे वही पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी
यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी यूज़ एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम आपको लेकर आना है, स्टेबल करेंसी इंश्योर करना है और ग्रोथ अचीव करनी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख लेने हैं। रैपिड सस्टेनेबल ग्रोथ, वही ग्रोथ वाला पॉइंट, डेट मैनेजमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, स्टेबल करेंसी के बारे में बात हो रही थी, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, वही वाला, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी यूज एंड कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट, स्टेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्राइमा फेसी ये दो ऑब्जेक्टिव तो लिखने ही लिखने हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहले क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, और ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, क्या होगा अगर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स निकले तो? बेटा अगर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स निकले तो घबराने की बात नहीं है, इसमें जो आपका प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको उसे फुलफिल करना है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करते हुए। बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड नेशनल प्रायोरिटी द मॉनिटरी पॉलिसी मेकर मस्ट एक्सरसाइज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस। चलिए नेक्स्ट है बेटा, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, किस तरीके से जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वो अब ट्रांसमिट होंगे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चेंज प्रोसेस, चैनल किस माध्यम के थ्रू पहुँचेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। सो एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मीन्स द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म through which the objectives are transmitted into economy. The process or channel through which the change of monetary aggregates affect the level of product and prices known as monetary transmission mechanism. It is also called as analytics of monetary policy. बेटा सबसे पहला है interest rate channel. Interest rate channel के अंदर क्या करते हैं, ये interest rate को vary करते हैं जिसके through borrowings सस्ती या फिर महंगी हो जाती है, accordingly investment होती भी है और नहीं भी होती है। तो ये बेटा इंटरेस्ट रेट चैनल। दूसरा है बेटा एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल के थ्रू ये करेंसी को, बास्केट ऑफ करेंसी या फिर अदर करेंसी के अगेंस्ट जो एक्सचेंज रेट है उसको मॉनिटर करते हैं, जिसके थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपकी कंट्री में मॉनिटर होता है। थ्रू अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन नेट एक्सपोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑन डोमेस्टिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल है बेटा, एक्सचेंज रेट को अगर ये मॉनिटर करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, करेंसी आइदर अप्रिशिएट होगी या तो डेप्रिशिएट होगी। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के दोनों ही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, उसके जो आपका प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने के लिए आप ये करते हैं। तो बेटा हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया अब उसको फुलफिल किस तरीके से करना, तो ये तरीका है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल, दूसरा है एक्सचेंज रेट चैनल, तीसरा है क्वांटम चैनल। क्वांटम यानी यहाँ पर क्वांटिटी वेरी करते हैं। इसमें आपको दो चैनल देखने को मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट क्रेडिट चैनल। पहला है बैंक लेंडिंग चैनल, बैंक लेंडिंग चैनल एंड बैलेंस शीट चैनल। बेटा बैंक लेंडिंग चैनल में क्या होता है, आप लोगों का बैंकिंग एक्सेस कम या ज़्यादा करवा दिया जाता है, और बैलेंस शीट चैनल के अंदर क्या होता है, आपकी बैलेंस शीट को ड्रेसअप किया जाता है या आपकी बैलेंस शीट को डिटेरियोरेट किया जाता है। आई टेल यू हाउ। बेटा क्वांटम चैनल के अंदर दो माध्यम रहते हैं, बैंक लेंडिंग चैनल। बैंक लेंडिंग चैनल में आपका बैंकिंग एक्सेस कम किया जाता है ज़्यादा किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट आरबीआई जो रहेगी, हमारी मॉनिटरी अथॉरिटी रहेगी, वो डायरेक्टिव्स देगी, वो डायरेक्शंस देगी कि भैया इस सेक्टर में जाना चाहिए क्रेडिट, इस सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, तो आपका बैंकिंग एक्सेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बेटा बैलेंस शीट चैनल के थ्रू आपकी बैलेंस शीट को डिटेरियोरेट वगैरह कर सकते हैं, ड्रेसअप कर सकते हैं। लास्ट है एसेट प्राइस चैनल। एसेट प्राइस चैनल, द एसेट प्राइस जनरेट इम्पॉर्टेंट वेल्थ इफेक्ट दैट इम्पैक्ट थ्रू स्पेंडिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा सुनना बेटा, एसेट प्राइस चैनल में बेसिकली क्या होता है, ये लोग बॉन्ड को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। लेट्स अगर इन्होंने इक्विटी के कंपेरिजन में बॉन्ड को अट्रैक्टिव बना दिया तो क्या होता है, मेजॉरिटी जो पैसा है बॉन्ड में आ जाता है,
ठीक है, जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आ जाता है, तो क्या होता है मार्केट से पैसा बाहर आ जाता है और लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करते, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इकोनॉमी में से जो मनी सप्लाई है वो कम कर दिया जाता है। लेकिन बेटा अगर इन्हें मनी सप्लाई बढ़ाना है तो ये बॉन्ड को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं, जिसके कारण लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के अंदर पैसा घूमता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एसेट प्राइस चैनल, ये अपने एसेट के प्राइस को वेरी करते हैं। अब भैया डिपेंड करता है कि ये चारों चैनल कौन कौन से चैनल, इंटरेस्ट रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, क्वांटम चैनल, एसेट प्राइस मॉडल यानी कि एसेट प्राइस चैनल, ये जो भी चैनल है वर्क कैसे करेंगे। ये वर्क तभी इफेक्टिवली करेंगे डिपेंडिंग अपॉन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमी डेवलप है तो होगा, नहीं है डेवलप तो इतना इफेक्टिवली नहीं होंगे। और अंडरलाइनिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप है। हाय क्रिश शर्मा, आपकी इकोनॉमी कितना ज़्यादा डेवलप है उस पर टोटली डिपेंड करता है। एक बार देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा लैग आ रहा है। लैग आ रहा है हल्का सा। चलिए आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट बेटा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, किस चैनल के थ्रू इसको ट्रांसमिट करना है ये डिसाइड कर लिया। अब आप लोग डिसाइड करेंगे ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब होता है डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें तीन स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग टारगेट। बेटा ऑपरेटिंग टारगेट मीन्स दोज वेरिएबल दैट कैन बी इन्फ्लुएंस, दोज वेरिएबल दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड विथ मॉनिटरी पॉलिसी, वेरिएबल दैट मॉनिटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विद देयर एक्शन। तो ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऑपरेटिंग टारगेट। ऑपरेटिंग टारगेट के अंदर क्या आता है, वेरिएबल्स दैट मॉनिटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विद देयर एक्शन। फिर इंटरमीडिएट टारगेट। इंटरमीडिएट टारगेट आर दोज टारगेट विच सेंट्रल बैंक कैन होप टू इन्फ्लुएंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग टारगेट। मतलब इंटरमीडिएट टारगेट वो टारगेट होते हैं जहाँ पर होप करते हैं बेटा ये। सो ऑपरेटिंग टारगेट में क्या होता है, ऑपरेटिंग टारगेट आर दोज वेरिएबल। ऑपरेटिंग टारगेट वो वाले फैक्टर्स रहते हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर पाती है अपने एक्शन से, यानी कि ये कन्फर्म्ड है। लेकिन बेटा इंटरमीडिएट टारगेट वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक होप करती है कि बदल जाए विद द हेल्प ऑफ देयर ऑपरेटिंग टारगेट। और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत सारे जो पॉलिसी टूल्स हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सभी टूल्स आते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको टूल्स पढ़ लेते हैं। बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो डायरेक्टली मनी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि बेटा
डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट वो वाले इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो आरबीआई या फिर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी रेगुलेटरी पावर यूज़ करके करता है, ठीक है। यहाँ पर इसके पास डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट रेगुलेटरी पावर है इन्फ्लुएंस करने की, जैसे रिजर्व रेशो, CRR, SLR, डायरेक्ट पावर है सेंट्रल बैंक के पास इन्फ्लुएंस करने की। एडमिनिस्ट्रेट क्रेडिट, यानी कि वो कहेंगे इस सेक्टर में ही पैसा जाना चाहिए, इस सेक्टर में पैसा नहीं जाना चाहिए। और लास्ट है बेटा एडमिनिस्ट्रेट इंटरेस्ट रेट, इस प्रायोरिटी सेक्टर को इतना इंटरेस्ट लगाओ, इन लोगों को बहुत कम रेट में दो, उनको ज़्यादा रेट लगाओ। तो ये हैं आरबीआई के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट बेटा जहाँ पर आरबीआई अपनी या फिर सेंट्रल बैंक अपनी रेगुलेटरी पावर यूज़ करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर हमने पढ़ा मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है, फिर फ्रेमवर्क देखा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव किस तरीके से इकोनॉमी में फ्लो होंगे उसके लिए चैनल डिसाइड होते हैं। अब भैया जो भी तरीके से इकोनॉमी में फ्लो हो रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन की बारी है, एग्जीक्यूशन के लिए टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहाँ पे सेंट्रल बैंक अपनी रेगुलेटरी पावर यूज़ करता है, जैसे रिजर्व रेशो हो गए बेटा, डायरेक्टेड क्रेडिट हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेट इंटरेस्ट रेट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहाँ पे आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक बेटा इन्फ्लुएंस करता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी मार्केट एज इशूअर ऑफ रिजर्व मनी, जैसे यहाँ पर ये रेपो ट्रांजेक्शन हो गया, OMO हो गया, MSF हो गया, मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट हो, मतलब यहाँ पर बैंक को कंपल्सरीली डायरेक्शन देता है। पर यहाँ पर अगर बैंक अप्रोच करती है तभी जाकर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो मान लो कोई बैंक रेपो परफॉर्म करना ही नहीं चाहता, तो भैया ये पॉलिसी उसको, ये वाला इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकता। ओपन मार्केट ऑपरेशन कोई बैंक करना नहीं चाहता है तो बेटा ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई MSF नहीं लेना चाहता है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और कोई डिस्काउंटिंग नहीं करना चाहता तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक अगर चाहे तो कंपलसरीली रिजर्व रेशियो, डायरेक्टेड क्रेडिट और एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट लगा सकती है। मतलब ये लगाने की पावर स्टैट्यूटरी पावर है बेटा, और ये वाली पावर बेटा ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है अगर बैंक अवेल करेंगे तभी जाके आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर अब पढ़ते हैं बेटा एक एक के बारे में। अब हमने पहले डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़े। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आता है? रिजर्व रेशो। दो प्रकार के रिजर्व रेशो रहते हैं बेटा, एक होता है CRR, एक होता है SLR। बेटा CRR 4% और SLR 19.25, लेकिन मैं आपको अभी एग्जैक्ट CRR और SLR बताता हूँ। आपको जो RTP आई है बेटा उसमें एडवांस अकाउंट में CRR और SLR कितना लिख कर दिया है, RTP के अंदर CRR और SLR कितना है? कितना है बेटा एक बार चेक करके बताना। आपके RTP में एडवांस अकाउंट्स के लिए दिया होगा उन्होंने CRR SLR। जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
और शैल आई सी दैट? CRR 3%, ओके, तो यूज CRR 3%, और SLR 18%, ओके, सो यूज दिस, ठीक है, ये आपको वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है ट्रांसफर में। तो CRR मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था, SLR मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। आइए बेटा, एक सवाल ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि SLR जो है उसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ यानी टी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बोलते हैं उसको, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेटेड सिक्योरिटी अंडर MSS स्कीम, मार्जिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में कर सकते हो बेटा। स्टेट डेवलपमेंट लोन में कर सकते हो एंड अदर नोटिफाइड अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। बेटा NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को CRR SLR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ही मेंटेन करना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ आप मेंटेन कर सकते हो, तो ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड अदर एंड अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। लो, फिर अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेटा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब कम भी हो तब जब ज़्यादा भी हो, तो बेटा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो या पैसा ज़्यादा हो, दोनों केस में आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। इसके अंदर आपको रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं बेटा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। RBI provides liquidity to all bank when it faces a shortage of liquidity to adjust their day-to-day mismatch. Currently, RBI provides financial accommodation to scheduled commercial bank through repos and reverse repo. Scheduled commercial bank and primary dealer in the case of requirement can avail the credit or park off their excess liquidity. Liquidity adjustment facility आप लोगों को available रहेगी fixed time में Monday to Saturday all working days, बेटा sorry Monday to Friday एक्सक्लूडिंग सैटरडे बोला है इन्होंने, ठीक है, सो ऑल वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे, यानी मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं मुंबई में, ठीक है, और ओवरनाइट LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 7 days या 14 days के रेपो होते हैं। रेपो ट्रांजेक्शन वैसे भी शॉर्ट टर्म के होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। बेटा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट रहता है। RBI इज ऑल्सो द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बेटा ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती थी, और बेटा इंटर बैंक एक दूसरे को बहुत हाई रेट चार्ज करते थे, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता था कि इस तरीके के ट्रांजेक्शन जो MSF करता है, यानी जब बैंक्स के पास सारे रिसोर्ट सारे के सारे जो हथकंडे ख़त्म हो जाते हैं बेटा, उस टाइम पर जब उसको एकदम एक्सट्रीम लिक्विडिटी की ज़रूरत रहती है, वो अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ना मांगे, उसकी जगह हमसे मांगे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्यों इंश्योर किया है, ये इसलिए इन्होंने इंश्योर किया है बेटा ताकि स्मूथली ट्रांजेक्शन हो और जो वोलाटिलिटी हो रही है ओवरनाइट मार्केट के अंदर वो कम हो जाए। RBI also act as lender of last resort to scheduled commercial bank. It has been introduced by RBI within the objective. क्या है objective बेटा? To reduce the volatility in overnight lending rate in interbank market and to ensure smooth banking transaction. बेटा margin standing facility आप लोगों को safety wall, safety cushion provide करता है under unexpected liquidity shock. ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं जब बैंक ने सारे रेपो ऑप्शन अपना लिए हो। बेटा ये कंडक्ट होता है वहीं पे मुंबई में ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडेज 7 to 7:30 PM के बीच में।
लेकिन यहाँ पर आपको टिकट साइज 1 करोड़ या उसके मल्टीपल में रखना पड़ेगा। बेटा एमएसएफ का रेट एक पिनल रेट है, यह रेट सबसे ज़्यादा रहता है, इनफैक्ट रेपो से भी ज़्यादा रहता है। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। बेटा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के बीच में एक एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी जो रिजर्व बैंक है उसके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसके थ्रू ये स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करते हैं। होता क्या है, जब भी कोई एफडीआई या फॉरेन फंड आता है उसके कारण सडनली कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाता है। मनी सप्लाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे समय बेटा ये जो मनी सप्लाई आया है इसको तो रोका नहीं जा सकता, तो बेटा मनी सप्लाई जो सडनली आ जाता है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बैंक इससे क्रेडिट मनी क्रिएट करेगा। तो ये सडनली क्या करते हैं, मार्केट की लिक्विडिटी जो आती है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। मार्केट की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करता है बेटा अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है, और कमर्शियल बैंक को बाय करनी पड़ती है जिससे लिक्विडिटी इनके पास आ जाती है। तो दे अब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, ये एक तरफा है बेटा, ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने का टूल है। अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड इशू ट्रेजरी बिल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी अराइजिंग थ्रू लार्ज कैपिटल इनफ्लो। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर 2004 फॉलोइंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। फिर बेटा ओएमओ, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बाय और सेल करी जाती है बेटा, परचेस और सेल करी जाती है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी और टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी टू द मार्केट। ओएमओ रेफर टू द मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द लिक्विडिटी ऑफ रुपी। वेन द आरबीआई फील्स दैट एक्सेस लिक्विडिटी है, भैया मार्केट में जरूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो अपनी सिक्योरिटीज सेल करना चालू करते हैं, और बेटा वो बाय करते सिक्योरिटी जब उन्हें लगता है मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी रिलीज करने के लिए। मैंने आपको रेपो ट्रांजेक्शन पढ़ के आने के लिए बोला था, मैंने आपको रिवर्स रेपो पढ़ के आने के लिए बोला था। बेटा रेट आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मैंने आपको बोला था मैं आप लोगों को पॉलिसी रेट के बारे में बताऊंगा। बेटा पॉलिसी रेट बेसिकली क्या है, जब आप रेपो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो ना तो उसके अंदर जिस टाइप की सिक्योरिटी रहती है उस टाइप का रेट लगता है। आई टेल यू पॉलिसी रेट का मतलब क्या होता है बेटा, तो जब भी आप रेपो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो आपको एक रेट लगता है जिसे बोलते हैं रेपो रेट। पर ये जो रेट है ना ये डिफर करता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट की सॉवरिन सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट की सॉवरेन सिक्योरिटी को प्लेज कर रहे हो और उसके बदले रेपो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो जो रेट लगता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी रेट। द फिक्स्ड रेपो रेट कोटेड फॉर सॉवरेन सिक्योरिटी इन द ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कंसिडर्ड एज पॉलिसी रेट। आरबीआई यूज दिस रेट फॉर बैलेंसिंग लिक्विडिटी। द पॉलिसी रेट इज इनफैक्ट द की लेंडिंग रेट। आपको मैं बता दूं हमारी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है उसका भी मेन उद्देश्य यही रहता है कि वो पॉलिसी रेट निकाले, मेन इंटेंशन यही रहता है। ठीक, तो पॉलिसी रेट इज बेसिकली द की लेंडिंग रेट, इट इज द रेट कोटेड बाय
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द सॉवरेन सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट. वॉट डू यू मीन बाय बैंक रेट? बैंक रेट इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग रेट. इट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यू कैन से सेंट्रल बैंक इज रेडी टू परचेज और रीपरचेज द एलिजिबल सिक्योरिटी. करंटली बैंक रेट अबॉलिश कर दिया गया है और सारे रेट MSF के साथ अब अलाइन कर दिए गए हैं. द बैंक रेट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेट एट विच रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर टू बाय डिस्काउंट और री डिस्काउंट एलिजिबल बिल्स अंडर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. द बैंक रेट हैज़ बीन अलाइंड विद MSF एंड देयर फॉर एज एंड वेन MSF चेंज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी चेंजेस अलॉन्ग साइड पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस द बैंक रेट ऑल्सो चेंजेस ऑटोमेटिकली. तो बेटा ये क्या करते हैं आज के टाइम से, वे पॉलिसी रेट चेंज करते हैं. पॉलिसी रेट चेंज करने से रेपो, रिवर्स रेपो, MSF सब चेंज हो जाता है. MSF assumed the role of bank rate and currently it is purely a signaling rate. Most interest rate are dealing from bank rate. क्या बोल रहे हैं अब भैया, अब हम MSF rate ज़्यादा use करते हैं, अब हम ये bank rate को use नहीं करते, margin standing facility को use करते हैं, bank rate को नहीं करते, हम policy rate को use करते हैं, हम repo rate को use करते हैं, reverse repo और MSF को, ये वाले rate को use नहीं किया जाता. आइए बेटा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करी जाए. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग टू नो दैट मैक्सिमम टॉलरेबल इंटरेस्ट रेट. हाँ, इन्फ्लेशन रेट. सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट. इसके लिए लोग क्या करते हैं बेटा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं. नाउ RBI ने ना बाकी सारे इंडिकेटर्स हटा दिए बेटा. RBI एक्ट प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. पूछेंगे बेटा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को अनाउंस किया जाए. बेसिकली एक सिंगल इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन रेट नहीं डिटरमाइन करते हैं, ये उसकी जगह एक बैंड बताते हैं बेटा. जैसे देखिए इन्होंने 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी की करी थी, यानी ऑफिशियली रेंज ऑफ इन्फ्लेशन कितना सेट किया था, 4%. ठीक है, इसमें 2% ऊपर 2% नीचे हो सकता है, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम 6 होना चाहिए. हो गया ये समय देखो. वापस पढ़ते हैं बेटा. इन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, RBI एक्ट इसके लिए स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता है. अनाउंसिंग ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. 5 साल के लिए सेट किया गया था 4% पे बेटा. ठीक है, अगर आपका 3 consecutive quarter का एवरेज ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो इसे ब्रीच माना जाता है, 3 consecutive quarter का एवरेज. फिर बेटा रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को असिस्ट करता है ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना सके. और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मात्र मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पॉलिसी रेट निकालते हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, किस लिए, ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी निकाल सके. डिटरमाइनिंग द पॉलिसी रेट, बेटा इनका एक ही काम है, पॉलिसी रेट बनाना और उसे अल्टीमेटली पॉलिसी में कन्वर्ट कर देना. पॉलिसी रेट निकालना और उसे मॉनेटरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर देना, सिंपल एज दैट. बिल्कुल, जस्ट समवन रैंडम गाय विथ मास्क, डेफिनेटली.
डन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था। अब कुछ चैलेंजेस पढ़ लेते हैं इसके अंदर, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रूडिमेंट्री एंड नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सिस्टम, पुराना एज ओल्ड और नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। बेटा यहाँ पर इंटर बैंक्स के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मनी एंड इंटर बैंक मार्केट। तीसरा है अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन, लाइक कोविड देख लीजिए। फिर बेटा सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता यानी उसकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। और लास्टली बेटा द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनिटरी अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट और मॉनिटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन जमता नहीं है। काफी अटक रहा है यार। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, ज्यादा लैग कर रहा है ये। थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करके देखता हूँ यहाँ पे। हाँ एक बार आप पढ़ लीजिए, विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक और 5 मिनट्स ब्रेक। पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो मुझे बताइए। फिर हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक फाइनेंस। लगता है तब तक लैग भी चला जाएगा। मैं इंटरनेट कर मैं राउटर को रीसेट करके देखता हूँ।
यस चलिए बेटा पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी 20-25 मिनट हैं, जितना होगा उसके अंदर करते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टिक करवा देता हूँ, आप इसे मेरे मैराथन से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा इम्पॉर्टेंट पार्ट टिक करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जो मैंने दो पार्ट आपको कवर करवाए हैं, दो चैप्टर अगर आप सच में अच्छे से करोगे तो आपके 30 मार्क्स सिक्योर्ड है बेटा। पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर कर लिया ना, प्रैक्टिकल पार्ट भी कर लेना, 30 मार्क्स सिक्योर्ड हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप मार्केट फेलियर याद रखेंगे क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मार्केट फेलियर। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला आप कर सकते हैं। राइट, इसके अंदर आप लोगों को मार्केट पावर मिलेगा, एक्सटर्नैलिटी मिलेगा बेटा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फेलियर मिलेगा। कहाँ गया, दो ही क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, दो ही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक इन्फॉर्मेशन फेलियर भी है और गुड्स भी है। तो बेटा चार सोर्सेस हैं मार्केट फेलियर के। सबसे पहला है मार्केट पावर, यानी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाना। दूसरा है एक्सटर्नैलिटी बेटा। तीसरा वाला है इन्फॉर्मेशन, और चौथा है गुड्स। गुड्स के बारे में बात करते हैं बेटा, प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है। फिर बेटा ये सारे टाइप के गुड्स करना है, प्योर पब्लिक, इम्प्योर पब्लिक, एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी, ये दो चीज़ें देखनी है आपको। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, क्लब गुड, वेरिएबल यूज, पब्लिक गुड, ये आपको करना है। फिर बेटा ये सारे करने हैं, कॉसी पब्लिक गुड, कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस, WHO का क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन, फ्री राइडिंग भी आप लोगों को करना पड़ेगा, और बेटा इन्फॉर्मेशन फेलियर के रीज़न भी करने पड़ेंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज होल इंपॉर्टेंट। होली इम्पॉर्टेंट। फिर बेटा आप लोगों को असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और एडवर्स मॉडल्स है, मतलब पूरा यूनिट वन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब टू में गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो टाइप के होते हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये पढ़ना है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट पावर और एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट करने में जो लगते हैं वो करना है आपको। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीगूवी एंड टैक्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को क्योर कैसे किया जा सकता है। फिर कुछ इस पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स आप छोड़ दीजिए एक बार, मेरिट्स और डीमेरिट्स एक बार नहीं भी किया तो चलेगा, इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी है। अगर आप देखोगे तो आप इसे ऑडियो नोट्स के थ्रू सुन के 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को आप रिवाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 30 मिनट्स में वहाँ पर मैंने रीड करके बताया है बेटा। फिर बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, नीड फॉर इंटरवेंशन, रेगुलेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर एक क्वेश्चन बनता ही है, अब तक इतिहास गवाह है, एक क्वेश्चन इस पर बनता ही बनता है। मेरिट गुड क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंटरवेंशन की ज़रूरत क्या होती है, रेगुलेशंस। फिर बेटा डीमेरिट गुड्स, टाइप ऑफ इंटरवेंशन और रीज़न, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बेटा आप आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन करिएगा। फिर इकोनॉमिस्ट के व्यू में आप एडम स्मिथ का व्यू देख लीजिएगा, वो तो आसान है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिचर्ड मसग्रेव का। इन्होंने थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी दी है बेटा, इन्होंने आप लोगों को तीन फंक्शन बताया, अलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन तीनों के मीनिंग देख लीजिएगा। फिर यूनिट फोर में देखें, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट चारों इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन, गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और बजट सभी इम्पोर्टेंट है। एक है रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इम्पोर्टेंट है और क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी मोस्टली ये चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीन चैप्टर जितना मैंने बताया अगर आपने 1 बजे से पहले कर लिए, ठीक है, और आपने सिर्फ सुन भी लिया ना बेटा, आप लोगों को 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। 3 चैप्टर भी करके गए ना, 40 में से 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो इतना बताया है, इतना ये कर लीजिए, मोस्टली आपका हो जाएगा, सभी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर हम मुलाकात करते हैं 1 बजे, और 1 बजे मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर ही लेकर आऊँगा। हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग से, ठीक। चलो दैट्स इट, इतना कर लीजिएगा बचा हुआ पार्ट। इंटरनेशनल ट्रेड इतना करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से आपको, आपको 30 मार्क्स का अगर पढ़ना है तो हाँ, लेकिन अगर आपको सुनना ही है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑडियो नोट